महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने गोलघर काली मंदिर से शास्त्री चौक तक सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से खाली करवाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि महानगर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शासन के निर्देश पर सड़क पर किनारे किए गए अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है, जिससे कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, जिसके लिए व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक की गई है, जिस पर सभी व्यापारी बंधुओं ने अपनी सहमति जताई है और लोग अपनी स्वेच्छा से सड़क पर हुए अतिक्रमण को खाली कर रहे हैं, जिसके लिए प्रतिदिन अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ चालान भी किया गया। गुरुवार को चालान काटकर 41,500 रुपए का जुर्माना राशि वसूला गया और अतिक्रमण अभियान के दौरान एक लोहे का मेज, एक लकड़ी का डब्बा, एक लोहे का डब्बा जो नीचे ओपन है उसको जब्त किया गया और स्टोर में जमा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज के लिए क्यों दंड है? आज का दंड है ये नाला नहीं है, ये नाला नहीं है, ये नाला नहीं है सर, क्या है नाला नहीं, क्या है के क्रम में यहाँ पे जंक्शंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्मार्ट जंक्शन को विकसित करने के लिए कार्ययोजना शासन को प्रेषित की गई थी, जो अभी स्वीकृति के कगार में है और वो स्वीकृति प्राप्त होते ही हम उस पर काम करेंगे। अभी एक बड़ा अभियान हमारे जनपद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके उनके सुझावों को समाहित करते हुए किया गया, व्यापार बंधु विक्रेताओं सभी से वार्ता करके किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन काम हो रहा है, आप उसको देख भी रहे हैं, जिसमें सभी सड़कों के कैरेज वे को फ्री कराना, वहाँ विक्रेताओं के लिए निर्धारित स्थान पर उनको विस्थापित करना और उनको व्यवस्थाएं देना, वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए सुगम व्यवस्था हो, क्योंकि पेडेस्ट्रियंस बहुत बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए पेडेस्ट्रियन पाथवे बनाना, वहाँ ग्रीन बेल्ट विकसित करना, आपने देखे लाइट्स लगाई गई हैं वहाँ पे, डिवाइडर्स को रीडिज़ाइन किया गया, जंक्शंस को रीडिज़ाइन किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ चलें ताकि एक सुगम व्यवस्था हमारे यातायात के लिए हो जाए और सभी को एक अच्छा सुंदर स्वच्छ और यातायात से सुगम शहर मिल जाए। सर, प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि अक्सर आप अतिक्रमण हटाते हैं, दो दिन तीन दिन बाद फिर से होगा। इसमें इस अभियान में एक मुख्य बिंदु ये भी है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए, उसमें अतिक्रमण हटाया जाए, और इसके लिए सभी का सहयोग हमें प्राप्त भी हो रहा है, और जहाँ जहाँ इसको सूचीबद्ध किया जा रहा है उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित भी किया जा रहा है, उन लोगों को पाबंद और निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी उनके खिलाफ किया जा रहा है, और थानों सभी SOs को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि अगर वापस अतिक्रमण हो गया तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, इसी से वहाँ अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।